फ्रेंड देखिए हमारा बेसन पनीर चीला बनके तैयार है। मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर चीज और ग्रेट कर देती हूँ जिससे ये और भी यम्मी दिखेगा एकदम, और बच्चे तो एकदम इसको खाने के लिए टूट पड़ेंगे। तो देखिए है ना एकदम मजेदार और टेस्टी पनीर बेसन चीला, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी डिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड शुगर। फ्रेंड्स आज हम बहुत ही टेस्टी और एकदम झटपट बन जाने वाला पनीर चीला बनाएंगे। तो ये हम बेसन के बैटर से बनाएंगे, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये एकदम लो ऑयल और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश कैसी लगी। बेसन पनीर चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 कटोरी बेसन लिया हुआ है। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आपको कितने लोगों का बनाना है उस हिसाब से आप बेसन की क्वांटिटी ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बैटर तैयार करेंगे। तो इसी बैटर में बनाने के लिए मैंने देखिए बेसन में मैं थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि बेसन में पीला होता है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए मैं इसमें नमक डालूंगी। अब क्या करना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला बैटर बनाना है, ना तो बहुत गाढ़ा रहेगा और ना ही एकदम पतला रहेगा। थोड़ा सा मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, क्या होता है कि चिली फ्लेक्स देखने में बहुत अच्छा लगता है जो उसमें दिखता है, और तीखा भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है ये। तो देखिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है इसमें। अब मैं क्या करूँगी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालती जाऊंगी और इसका एक बैटर तैयार करूंगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, और ऐसे मिक्स करते जाइए। ये बहुत ठीक दिख रहा है, फिर क्या है जब हम इसका चीला बनाएंगे तो ये अच्छे से फैलेगा नहीं, बहुत मोटा बनेगा और बैटर पतला रहेगा, तो थोड़ा पतला चीला ही अच्छा लगता है। तो अभी पानी डाल के मैं इसको और अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे, एकदम स्मूथ बैटर इसको अच्छे से इसको मिक्स करना है। फ्रेंड देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ऐसे फ्लोइंग एकदम, ताकि जब हम डालें इसको पैन में तो ये अच्छे से फैल जाए। अब हम क्या करेंगे इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। तो अब मैंने क्या किया है एक दूसरा बाउल लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़े से पनीर लिए हैं, ये 200 ग्राम पनीर है, एक टमाटर है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, थोड़ा सा मैंने ग्रीन ऑनियन लिया है। आपके पास ग्रीन ऑनियन नहीं है तो व्हाइट ऑनियन को ही बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो इन सबको मैं क्या करूंगी अब एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करेंगे हम। देखिए थोड़ा सा कड़ा वाला लीजिएगा ताकि वो पानी कम छोड़े, तो सबको हम क्या करेंगे मिक्स करेंगे। मैं पूरा ही मिक्स कर लेती हूँ, इसमें क्या करूंगी थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी जैसे नमक और हल्दी ये सब डालेंगे। ये देखिए मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, सब्जी मसाला डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी, वो भी अच्छी लगती है खाने में। यदि बच्चे कम तीखा खाना चाहते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज क्यूब लिया है, पर इसको मैं लास्ट में डालेंगे जब हम, तो इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें हरा धनिया डाला, ये हरा प्याज भाजी डाला हुआ है, यदि आप व्हाइट प्याज यूज करें तो आप हरा धनिया डालिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा देखिए चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे क्या इसमें थोड़ा सा जो खट्टा खट्टा बन रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं हो थोड़ा सा अमचूर चाहे तो डाल सकते हैं, या उसके बिना भी बना सकते हैं। तो सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर देखिए मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, पैन को गर्म कर लेना है पहले, फिर बाद में हम इसे थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, गैस की जो है हमारा वो स्लो कर लेंगे, बहुत तेज नहीं रखेंगे, तो गैस को स्लो कर लेंगे। देखिए मैं थोड़ा ऑयल डाली हूँ, ये बहुत ही लो ऑयल वाला है, चाहे आप नाश्ता में खाइए चाहे डिनर में खाइए, बच्चों को टिफिन में बना के दीजिए, बहुत ही कम ऑयल में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता खाइए या डिनर खाइए तैयार होता है। तो देखिए मैंने पैन गर्म कर लिया है, कटोरी की हेल्प से इसमें डाल दी, आप चाहे तो एक बड़े स्पून लेकर के उसमें भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा कटोरी में ऐसे ले लिया बैटर, अब पैन में ऐसे डाल के मुझे इसको घुमा दूंगी, ऐसे पैन को घुमाते जाना है ताकि एक जगह पे ये ना जमे और घूमता रहे, तो पतला चीला बनेगा। यदि हम एक ही जगह पे सब डाल देंगे तो हमारा चीला क्या है
यदि आपको बैटर गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा और पतला कर लीजिए। मैं थोड़ा सा और पतला कर लेती हूँ, तो अभी इसको एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाने देते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल और घोल देती हूँ और इसको ढक देती हूँ ताकि एक तरफ से सिक जाए और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। जो इस साइड है थोड़ा सा जब दूसरा साइड में सिक जाएगा तो ऊपर वाले साइड में हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें चीज भी ग्रेट करके डाल देती हूँ, ये चीज भी ऑप्शनल है, बहुत ही टेस्टी रहता है और बच्चों को पसंद भी आता है। चीज में चीज डाल दो उनको अच्छा लगता है खाना, तो थोड़ा सा मैं इसमें चीज ग्रेट कर देती हूँ तो ये इससे एकदम टेस्टी हो जाएगा। देखिए एकदम खाने का मन हो रहा है। दूसरी साइड भी देख लेते हैं सिक गया, थोड़ा सा और सिक जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड देखिए ये दूसरे साइड भी अच्छे से सिका हुआ दिख रहा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा मैं ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ, बहुत गर्म है ये। फ्रेंड देखिए हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया दोनों तरफ से, बस हमारा बेसन का मसाला चीला एकदम बनके तैयार है। चलिए इसको कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने प्लेट में निकाली, अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है एकदम, ये टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो बस इस तरीके से आप इसे कट कर लीजिए, कट करने से क्या है खाने में इजी रहता है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है एकदम पनीर भरा हुआ, तो बस एकदम इजी से एनी टाइम आप इसे बना सकते हैं। आप इसे सॉस है, अचार है, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड देखिए हमारा एकदम टेस्टी और हेल्दी पनीर बेसन का चीला बनके तैयार है। फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।